हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, बैंक, एसबीआईपीओ, एसएससी वगैरह, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये मेरा करंट अफेयर का कोर्स मई 2019 डेली करंट अफेयर। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है मेरी वेबसाइट yoursivilsarthi.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो डिफरेंट सोशल मीडिया जो है उनकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो उस पीडीएफ के अंदर उनके ऊपर जाके आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सोशल मीडिया की सभी लिंक्स जो है वो प्रोवाइड की गई है। ओके, सो पहले अगर सबसे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है, बात करते हैं 14th of May 14 मई 2019 के करंट अफेयर के बारे में। पहली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बैसल कन्वेंशन के अंदर यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। पिछले एक दो लेक्चर के अंदर हमने बैसल कन्वेंशन की बात की थी, उसके जो सिग्नेचर्स वगैरह हुए थे उसके बारे में यहाँ पर बात की थी। तो 12 दिन तक सभी कंट्रीज के जो कंट्रीज है यहाँ पर उनके बीच में डिस्कशन चला। अराउंड 180 गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर एग्री हुई कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको बैसल कन्वेंशन के अंदर शामिल किया जाए। क्या है बैसल कन्वेंशन? ये जो हजार्डस जो आपके वेस्ट होता है, किसी प्रकार का जो वेस्ट होता है जो ट्रांसबाउंड्री है एक देश से दूसरे देश के अंदर फ्लो करता है, तो उसके अंदर केमिकल और दूसरी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थी, लेकिन अभी प्लास्टिक कचरे को भी उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया गया है। तो 180 देश इसके ऊपर यहाँ पे एक्सेप्ट, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर उसके ऊपर अग्री हुए और यूनाइटेड इसके ऊपर अग्री यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो 1989 के अंदर बैसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट जो है वो साइन किया गया था। खतरनाक कचरे के ऊपर बैसल समझौता से सिग्नेचर किया गया था एंड इट्स अ लीगली बाइंड फ्रेमवर्क। लीगली बाइंड मतलब ये कानूनी, इसको लागू करना किसी भी देश के लिए यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अगर लागू नहीं करता है तो काफी सारी अलग अलग जो उसके खिलाफ जो सैंक्शंस है, प्रतिबंध जो है वो प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो लीगल बाइंडिंग इसके ऊपर यहाँ पे लगाना ये इसका एक यहाँ पे पार्ट है। तो प्लास्टिक का कचरा भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल हो गया है। ठीक है, टोटल 8 million tons ऑफ द प्लास्टिक वेट एंड अप इन द ओशन ईच ईयर। हर साल 8 million tons कचरा, मतलब इतना कचरा जो है समुद्र के अंदर मिला दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक डाइवर थे वो मेरियाना ट्रेंच के अंदर, वो सबसे ज्यादा गहरा गोता उन्होंने विश्व के अंदर यहाँ पे लगाया था, और उनका बोलना था कि जब वो इतनी गहराई के अंदर गए तो वहाँ पे कई तरह के प्लास्टिक वेस्ट जो है उनको वहाँ पर देखने को भी मिले थे। तो प्लास्टिक का कचरा आप सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर या जो मरीन एनिमल्स वगैरह हैं उनको कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। इट्स अ यूविका 2019। यूविका 2019 जो है ये इसरो द्वारा एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है इसरो के जो डायरेक्टर है एस के सिवान, उन्होंने इसको सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में वहां पे स्टार्ट किया। क्या किया जा रहा है इसके अंदर? इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है युविका का मतलब होता है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। 2 वीक का एक प्रोग्राम है, एक रेसिडेंशियल आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें पूरे देश के अंदर से स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और उनको टेक्निकल नॉलेज, उनका जो तकनीकी ज्ञान है साइंस और आपका जो रिसर्च है साइंस में, वो बच्चों के अंदर यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी इसका जो मिशन रखा गया वो है मिशन जय विज्ञान जय अनुसंधान, इसके मिशन का नाम यहाँ पे रखा गया है। 3 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 3-3 करके सभी स्टेट वगैरह से पार्टिसिपेट इसके अंदर कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई वगैरह या आईसीएसई, सीबीएसई आईसीएसई वगैरह के, इसके अलावा जो है स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो अलग अलग कुछ कॉम्पिटिशन्स के द्वारा इन बच्चों को यहाँ पे हर स्टेट के अंदर 3 बच्चे सिलेक्ट किए गए और ये बच्चे फिर अभी वहाँ पे 2 वीक तक अपना पूरा ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कम्प्लीट करेंगे। तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि इसरो जो है वो स्टूडेंट को भी इंटरेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने से ये है कि अभी जो इतने छोटे बच्चे हैं 8-9 क्लास के, तो इनको साइंस और जो रिसर्च है उसकी उस समझ पैदा होगी। अभी ये 3-3 लोग जो है अपने स्टेट के अंदर वो अपने अपने स्कूल्स में एटलीस्ट जो है उसको स्प्रेड करेंगे और लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रिसर्च जो है वो रिसर्च एक डिसेंट्रलाइज भारत के अंदर यहाँ पे इसके द्वारा हो सकता है। तो काफी अच्छी शुरुआत इसरो के द्वारा यहाँ पे की गई है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो डीआरडीओ जो है उसने एक फ्लाइट टेस्ट अभ्यास नाम से सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इट्स द हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो अभी जनरली आपको वेपन्स वगैरह के द्वारा आप अभी नॉर्मल तो उपयोग कर नहीं सकते, किसके ऊपर ट्राई करेंगे, तो उसके अभ्यास के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अभ्यास करके ITR जो आपका बालासोर में चांदीपुर के अंदर है टेस्ट रेंज है वो इंटीग्रेटेड इंटरिम टेस्ट रेंज के अंदर उन्होंने उसको ट्राई किया। तो अभ्यास एक पूरा
जैसा, और एक तरीके से सिम्युलेटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेपन सिस्टम का एक सिम्युलेटर है जहां पर जो डीआरडीओ है वो उसको वहां पे टेस्ट करता है, अपनी कुछ भी चीजें हैं उनका चेकिंग वगैरह वहां पर इसके अंदर करता है। इट इज डिजाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ एन ऑटो पायलट, के द्वारा उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अभ्यास वहां पे जो है वो एक सिम्युलेटर पे ट्राई वो लोग करते हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का स्मॉलेस्ट ऑर्चिड जो है वो असम के अंदर यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, एंड इसका नाम है लेकेनोरोचिस ताइवानिया, मतलब द पैरासिटिक ब्लूम इसको कहा जाता है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्चिड जो असम के अंदर यहाँ पे पहली बार इसको मिला है, एंड इट नेम इज द ऑफिसर जो है जतिन शर्मा, उन्होंने इसको यहाँ पे फॉरेस्ट असम के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने इसको सर्च किया है। सेम टाइप का जो ऑर्चिड है वो जापान, ताइवान, लाओस, इन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे मिलता है। इंडिया के अंदर पहली बार इसको सर्च किया गया है, इंडिया के अंदर अवेलेबल था लेकिन हम इसको सर्च नहीं कर पाए हैं। ये जो रिपोर्ट है जापानीज जनरल जो है न्यू रिकॉर्ड फॉर द फ्लोरा इन इंडिया, उसके अंदर यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर ये ऑर्चिड की जानकारी दी गई है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की जीएस लक्ष्मी, शी बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल आईसीसी मैच रेफरी। आईसीसी की फीमेल मैच, जो पहली महिला फीमेल मैच रेफरी यहाँ पे बन गई है। रेफरी क्या होता है, जब मैच होता है तो पूरे मैच को वो कंट्रोल करता है, अगर उसके अंदर कोई भी इथिकल प्रॉब्लम हो, कोई खिलाड़ी दुर्व्यवहार कर रहे हो, थर्ड अंपायर का डिसीजन, अंपायर्स का डिसीजन, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर रेफरी के कंट्रोल के अंदर यहाँ पे होता है। तो ये भारत की पहली ऐसी जीएस लक्ष्मी जो है वो आईसीसी की जो पहली मैच रेफरी यहाँ पर नियुक्त की गई, मतलब वर्ल्ड की पहली है। इसके पहले एक और वुमन थी, उनका नाम था कैथी क्रॉस, वो आईसीसी का जो एम्पायर पैनल था उसके अंदर शामिल होने वाली पहली महिला थी, और ये रेफरी बनने वाली पहली महिला है ना। आई होप आपको रेफरी और उसके अंदर अंतर जो है वो अंतर पता होगा। अगली खबर की बात करें तो एडीएमएम प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। ये एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग एडीएमएम प्लस मैरिटाइम सिक्योरिटी जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, एमएसएफटी एक्सरसाइज का नाम है, ये आयोजित की गई है। तो ये बेसिकली जो आसियान और जो बाकी कंट्रीज के बीच में एक मीटिंग होती है, तो मीटिंग के साथ में ये अपना जो फील्ड ट्रेनिंग है वो फील्ड ट्रेनिंग को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिंगापुर एंड साउथ कोरिया के अंदर इसको आयोजित किया गया, कि ये दोनों देश जो हैं अभी आपका जो ये मिनिस्टर मीटिंग हो रही है मैरिटाइम सिक्योरिटी की, उसको यहाँ पर वो एक तरीके से को चेयर कर रहे हैं, मतलब उसको यहाँ पर हेड के रूप में यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 18 कंट्रीज इसके अंदर हैं जिसमें आसियान कंट्रीज हैं सभी, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, चाइना एंड इंडिया, ये सब एडीएमएम एशियन डिफेंस डिसास्टर मैने डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो है उसके पार्ट है, जहां पर मैरिटाइम सिक्योरिटी और आपके मतलब समुद्री की सुरक्षा और पूरे एशिया के डिफेंस से संबंधित जो नेगोशिएशंस वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं। अगली खबर की बात करें तो साउथ के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, द फेस्टिवल इज कॉल्ड द तिसूर पुरम। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल है, इट्स कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। पिछले 200 सालों से उसको मनाया जा रहा है, और उसको स्टार्ट किया था सक्ताम तामपुरम, जो कोची के राजा थे उन्होंने 200 साल पहले शुरू किया था, और उसके बाद लगातार ये जो प्रोग्राम है लगातार चल रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो मलयालम मंथ होता है उसके अंदर मूलम अस्तरम करके एक मंथ होता है, और अप्रैल मई के अंदर वो मंथ आता है, उसके अंदर यहाँ पर आपके तिसूर के अंदर जो है एक जगह है उसका नाम है वद्दकुमंथम टेम्पल, उस टेम्पल के अंदर ये पूरा तिसूर टाउन के अंदर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो पूरम फेस्टिवल है इट रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल डिविजन ऑफ द परेंकुलम और तिरुवम्बंदी जो एरिया है, इस एरिया के अंदर, इस डिविजन के अंदर मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो सालों से यहाँ पर एक प्रथा है कि यहाँ पे दो अलग अलग डिविजन्स होते हैं, दो अलग अलग ये मतलब आपके परमकल्लू और तिरुवंडी जो दो अलग अलग ट्रेडिशंस या अलग बोल सकते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पर कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, और उसके अंदर अलग अलग जो है वो ट्रेडिशनल कुछ एलिफेंट राइड और ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा वगैरह इन सब के द्वारा यहाँ पे कंपटीशन करते हैं, और फिर जो जीतता है वो उस मंदिर के अंदर वहाँ पे पूजा करता है, ठीक है। तो इसको पंचवद्यान भी कहा जाता है, जहाँ पे एलिफेंट, ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो त्रिशूर पूरम याद रखिएगा, मलयालम मंथ के अंदर आयोजित किया जाता है, इन द केरला के अंदर ठीक है आयोजित किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर। पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।